पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीट बिलिंग घाटी के टेक ऑफ और लैंडिंग साइट को और बेहतर बनाने के लिए रबड़ शीट बिछाई जा रही है। इसके लिए वन विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। वन विभाग पालमपुर के वन मंडल अधिकारी डॉक्टर नितिन पाटिल ने टेक ऑफ साइट बिलिंग का दौरा भी किया। उन्होंने यहाँ पायलटों से इस संदर्भ में चर्चा की। बिलिंग टेक ऑफ साइट को पैराग्लाइडिंग की उड़ान के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है। यहाँ से करीब 5 टेक ऑफ पॉइंट हैं जहाँ पायलट उड़ान भरते हैं। ऐसे में यहाँ रबड़ शीट बिछाने के बाद विश्व भर से यहाँ पहुँचने वाले पायलटों को और अधिक सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके अलावा लैंडिंग साइट में भी कुछ पॉइंट पर रबड़ मैट बिछाने का निर्णय लिया गया। पर्यटन विभाग कांगड़ा की उपनिदेशक सुनैना शर्मा ने कहा कि बीट बिलिंग एक विश्वविख्यात पैराग्लाइडिंग साइट है और सभी देशों से पायलट यहां पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग साइट को इंटरनेशनल स्तर का बनाया जा रहा है। सुनैना ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पैराग्लाइडिंग साइट पर रबर टाइल बिछाई जा रही है ताकि पैराग्लाइडर सुरक्षित रहें और साइट भी देखने में आकर्षित लगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग के द्वारा इसका कार्य किया जा रहा है और इस योजना के तहत 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। देखिए, जो वीर बिलिंग है, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग साइट है और सभी देशों से, बहुत सारे देशों से यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल पायलट्स भी जो है वो पैराग्लाइडिंग करने आते हैं। तो अब हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस साइट को जो है वो इंटरनेशनल स्तर का बनाया जाए। तो जो टेक ऑफ साइट है हमारी बिलिंग की, उस पर जो है वो रबराइज टाइल्स का जो है वो प्रावधान किया जा रहा है, जो कि नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंतर्गत है। इस रबराइज टाइल्स के बिछाने के बाद जो है, जो वहाँ की जो टेक ऑफ साइट है उसमें एक तो वो जो ऊबड़ खाबड़ है काफ़ी, एक तो वो लेवल हो जाएगी और दूसरा जो पैराग्लाइडिंग पायलट्स जो थे, जब वो अपने पैराग्लाइडर्स को वहाँ बिछाते थे तो उन पैराग्लाइडर्स को जो है वो नुकसान होने का अंदेशा रहता था। तो इस मैटिंग की वजह से जो है उनके जो पैराग्लाइडर्स हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, साथ ही साथ जो है वो वैसे भी जो टेक ऑफ साइट है वो देखने में भी आकर्षक लगेगी। देखिए, ये जो है ये फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ये काम को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। ये जो है टूरिज्म विभाग की स्कीम है नई राहें नई मंजिलें, उसके तहत ये एक कॉम्पोनेंट है। कुल मिलाकर 6 करोड़ के तकरीबन जो है टूरिज्म विभाग जो है बिलिंग में खर्चने जा रहा है, जिसमें ये एक तकरीबन 25 से 30 लाख का एक कॉम्पोनेंट है।